एक नालायक था, बचपन से ही उद्यमी किस्म का। Oh, no. नदी के मगरमच्छ तक उसके हाथों उत्पीड़न सहने को मजबूर थे। गरीब कतई नहीं था, अच्छे स्कूल में जाता था, ब्लेजर पहनता था, स्कूल में नाटक ड्रामा करता था, पर खुद को गरीब बता बता कर औरों से झूठी हमदर्दी हासिल किया करता था, ताकि लोग उसके मानसिक पिछड़ेपन को उसकी विवशता समझे। लालची इतना कि चाय तक बेचना मंजूर था। चाय बेचना तो बहाना था, असली काम तो रेलवे का लोहा चुराना था। घर वालों ने अच्छी शिक्षा दिलवानी चाही, स्कूल छोड़कर भाग गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये पहाड़ों में जाकर चिलम भांग गांजा सूटने लगा था। घर वालों ने अच्छी लड़की देख शादी कर दी। लड़की मेधावी थी, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इन बहाना के चलते बीवी को छोड़कर फिर भाग गया। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बीवी के गहने चुराकर भागा था। निकम्मा इतना कि पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगकर खाने लगा, पर कोई काम धंधा नहीं किया। फिर कच्छाधारी गैंग यानी आरएसएस में सक्रिय हुआ। बकलोल और मैनिपुलेटिव तो था ही, जल्दी तरक्की करने लगा। हर दर्जे का चापलूस था तो भाजपा नेताओं की नजर में आ गया। अपनी ड्रामाई शैली और लच्छेदार भाषण देने की कला, बिना हिचक झूठ बोलने और अपने मालिकों को मुनाफा देने के चलते भाजपा ने इसे गुजरात का सीएम तक बनवा दिया। गुजरात के पूंजीपतियों ने इसमें अंतहीन मुनाफा देखा और सोचा कि इस गधे रूपी घोड़े पर दाम लगाया जाए तो काफी मोटा माल कमाया जा सकता है। तो उन्होंने करोड़ों अरबों लगाकर इसकी मार्केटिंग शुरू की। भोली भाली या यूं कहें कि भारत की मूर्ख जनता की नासमझी और अरबों के सोशल मीडिया टीवी प्रोपोगंडा की बदौलत ये इंसान हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। अब धड़ाधड़ देश बेचकर अपने पूंजीपति सेठों का एहसान चुका रहा है। ये वैसा ही है जैसे बाप ने घर बनवा दिया, बेटा रंगाई पुताई भी नहीं करवा पा रहा है, वो पुराना घर बेच के अपने सभी उधार चुका कर एक फ्लैट में शिफ्ट होने को तरक्की बता रहा है। पुश्तैनी मकान बेच के बेटा कहता है, मैं फ्लैट नहीं बिकने दूंगा, और मोहल्ले में 2 रुपए की चाय के लिए उसके साथ घूमने वाले लफ्वे उसकी वाहवाही करते हैं। ये कहानी बस इतनी सी बात समझाती है, बनाने में 70 साल लगते हैं, बेचने में 7 भी नहीं लगते। अगर ये इंसान यूं ही फलता रहा तो एक दिन ये हम सबके हाथ में कटोरा पकड़ा झोला उठा चलता बनेगा। Oh, no. तो मेरे प्यारे देशवासियों, ये सब जानकर कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं।